बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोग पढ़ रहे हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सिंपली इसको एमओटी बोलते हो, एमओटी। तो एमओटी इज डेवलप्ड इन 1927 एंड 1928 बाय ह्यूरेट एंड मुलिकान, एंड इन 1929 इट वाज अगेन डेवलप्ड बाय लेनार्ड जोन्स। और क्या कहा गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या है? नंबर वन, पहला पोस्टुलेट है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जितने ज्यादा लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे ना उतने ज्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, अगर एक एटम का एक एटॉमिक ऑर्बिटल हो, दूसरे एटम का दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल हो, तो इनसे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, उसे बोलोगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एब्रीवेटेड एज बीएमओ, और एक की एनर्जी ज्यादा होगी उसे बोलोगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां पे आप लोग वो कानून याद रखिए जिसमें आप कहते हो कि जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होते हैं, और जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है वो अनस्टेबल होते हैं। लिहाजा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है तो ये क्या होंगे? स्टेबल होंगे, और इनकी एनर्जी ज्यादा है तो ये अनस्टेबल होंगे। लिहाजा इलेक्ट्रॉन जब भी आना चाहेंगे उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन किस में आया करेंगे? पहले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आया करेंगे, अगर वो फिल हो जाएंगे तो एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, क्योंकि ये तो अनस्टेबल है, पहले स्टेबल में आएंगे वो, और अगर गुंजाइश नहीं होगी सारे भर जाएंगे तो तब वो एंटी बॉन्डिंग में जा सकते हैं। ये सेकंड पोस्टुलेट है। थर्ड, वो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं दे आर सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस, वो दो एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान जो लाइन होती है जिसे बॉन्ड एक्सिस कहते हो, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उसके ऊपर होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल होंगे, दे आर नॉट ऑन द बॉन्ड एक्सिस, वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बॉन्ड एक्सिस के ऊपर लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई उसके ऊपर नहीं होंगे। ये थर्ड पोस्टुलेट। एंड फोर्थ वन इज, जब भी इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो दे विल फॉलो हुंड्स रूल, हाफ पाव प्रिंसिपल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हुंड्स रूल के, हुंड्स रूल ने कहा था कि अगर दो या दो से ज्यादा डीजनरेट ऑर्बिटल हूं तो इलेक्ट्रॉन अनपेड रहना पसंद करते हैं, पेड रहना पसंद नहीं करते, मतलब पहले वो अनपेड ही होते हैं, बाद में वो पेड हो सकते हैं अगर गंजाइश खत्म हो जाए तो। नंबर टू, दैट इज हाफ पाव प्रिंसिपल, इसने कहा अगर इलेक्ट्रॉन को फिल करना हो तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें रखोगे जिसकी एनर्जी कम होगी, और फिर उनमें रखोगे जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे अब यहां देखिए इसकी एनर्जी कम है ना, इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएंगे, इनकी एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाद में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। एंड देन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये कहता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन कभी एक स्पिन के साथ नहीं हो सकते, अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरे को जरूर आप एंटी क्लॉकवाइज रखो, ये भी फॉलो होंगे। एंड देन डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या मतलब इस बात का? जब एटम ओवरलैप होते हैं तो ओवरलैप होने के बाद वो एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं और उनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो एनर्जी का कम होना, क्या वो एनर्जी ज्यादा कम हुई है या थोड़ी कम हुई है, डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग बड़ी अच्छी होगी ना एटॉमिक ऑर्बिटल की तो वो अपनी काफी एनर्जी डोनेट कर देंगे, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर हो जाएगी, मतलब बड़े स्टेबल हो जाएंगे। और अगर ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हुई तो कम एनर्जी रिलीज होगी, जब कम एनर्जी रिलीज होगी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम स्टेबल बनेगी। तो हमने कहा कि डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, अगर ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, कम होगी ओवरलैपिंग तो एनर्जी कम रिलीज होगी। अब एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल,
डाई एटोमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं जिनमें दो एटम्स हो और वो होमो एटोमिक भी होने चाहिए। जो आप एमओटी के अंदर पढ़ रहे हो एप्लीकेशन आप जो पढ़ोगे वो सारी होमो एटोमिक और डाई एटोमिक मॉलिक्यूल होंगे। जैसे आप H2 पढ़ोगे आप HE2 पढ़ोगे और कल वाले लेक्चर में आप लोग N2 F2 और O2 पढ़ोगे, मतलब आप जितनी भी एग्जांपल होगे वो सारी एग्जांपल होंगी डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, दोज आर होमो एटोमिक। तो पहली एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में वही सारे पास्टुलेट के एटोमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और उनसे बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तो चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और आप H2 की बात कर रहे हो तो H अगर एक H की बात करो तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1 और एक H अब दूसरे H से मिल रहे हैं और ये है इनकी एनर्जी का डिफरेंस कि जो ऊपर को आप ड्रा करोगे मॉलिक्यूल उनकी एनर्जी ज्यादा होगी और जो नीचे ड्रा करोगे उनकी एनर्जी कम होगी, मतलब वो स्टेबल होगी। तो एक हाइड्रोजन 1s1, दूसरा हाइड्रोजन 1s1। अब जब दोनों मिलेंगे तो इससे दो ऑप्शन है, एक तो बने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरी ऑप्शन है इससे बने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अनस्टेबल होते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो ऑर्बिटल की, इलेक्ट्रॉन की पहली ऑप्शन कौन सी होगी? बॉन्डिंग होगी, क्योंकि बॉन्डिंग क्या है? स्टेबल है। लिहाजा एक ये और एक ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर आ गए? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए और एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया, वो खाली पड़ा हुआ, वैकेंट पड़ा हुआ है। तो आपने इसको बोला, ये जो बॉन्ड बना आपने इस बॉन्ड को बोला σ1s और जो एंटी बॉन्डिंग में बनेगा जो ज्यादा एनर्जी वाला होगा उसको बोलोगे σ*1s, जो कि H2 के केस में बना ही नहीं। अब MOT के बेसिकली आप लोग 3 यूजेस पढ़ रहे हो जिनमें से नंबर 1 आप पढ़ रहे हो बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर होता के बॉन्ड ऑर्डर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कोई है ही नहीं। तो 2 - 0 डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? 1। इसका मतलब हाइड्रोजन के दरमियान कितने बॉन्ड होंगे? एक बॉन्ड होगा। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप कहते हो कि ऑक्सीजन के दरमियान 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन के दरमियान 3 बॉन्ड और हाइड्रोजन के दरमियान 1 बॉन्ड और हीलियम के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं है। ये आप कहां से कहते हो? आप एमओटी के बॉन्ड ऑर्डर को देखकर कहते हो। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा इसका मतलब यकीनन कितने बॉन्ड, अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा 2 बॉन्ड और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आए तो इसका मतलब कोई बॉन्ड नहीं है। तो पहला फायदा एमओटी का, इससे पता चल जाता है कि किस एटम में, किस मॉलिक्यूल में एटम्स ने कितने आपस में बॉन्ड बनाए, एक फायदा। दूसरा, आप इससे रिलेटिव एनर्जीज डिक्लेयर कर सकते हो कि किसकी एनर्जी किससे कितनी ज्यादा है। तो आप देख रहे हो कि σ1s की एनर्जी कम और σ*1s की एनर्जी ज्यादा, तो आपने क्या लिखा? रिलेटिव एनर्जीज क्या लिखी कि σ1s की एनर्जी कम और σ*1s की एनर्जी ज्यादा। और फिर पैरा मैग्नेटिज्म, तीसरा फायदा पैरा मैग्नेटिज्म, आप ये देखते हो कि क्या कोई मॉलिक्यूल मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो पैरामैग्नेटिक है और अगर वो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं कर रहा तो डायमैग्नेटिक है। और अगला क्वेश्चन कि क्यों मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा? अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर उसके बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, उसे बोलोगे पैरामैग्नेटिक। और अगर उसके सारे इलेक्ट्रॉन या तो पेयर्ड हूं या वैकेंट हूं वो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेगा। जैसे इसमें देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वैकेंट है, लिहाजा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या हुआ? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है, ये मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता या यहां कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता तो ये पैरामैग्नेटिक
बन जाता, लेकिन इसमें कोई ना तो कोई अनपेड पड़ा हुआ है, क्योंकि ये दोनों पेड और ये दोनों वैकेंट। तो आप कह रहे हैं कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या हुआ, पैरा सॉरी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या हुआ, डाया मैग्नेटिक। और बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ एच टू, अगर आप एच टू के बॉन्ड को तोड़ना चाहते हो, इसके लिए बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी होती है 436 किलो जॉल पर मोल। और अब आप पढ़ रहे हो हीलियम का मॉलिक्यूल, हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल, क्योंकि ये होता ही नहीं है। तो आप देखोगे कि एमओटी ने कैसे बताया, एमओटी से कैसे पता चला कि HE2 का मॉलिक्यूल नहीं होता। तो आप देखिए हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होती है, 1s2, और हम कह रहे हैं कि दो हीलियम, एक हीलियम 1s2, ये हीलियम भी 1s2, और ये है इनकी इंक्रीजिंग एनर्जी। यहां बने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या बने, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और नीचे वाला बॉन्ड सिग्मा 1s और ऊपर वाला बॉन्ड सिग्मा स्टार, ये कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल है कि ज्यादा एनर्जी वाले के साथ आप स्टार लगा देते हो, और जिसकी एनर्जी कम होती है उसके साथ स्टार नहीं लगाते, उसको नॉर्मल लिखते हो। तो आपने इसको लिखा सिग्मा 1s और इसको लिखा सिग्मा स्टार 1s। अब कैसे पता चला कि HE2 का मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर से। बॉन्ड ऑर्डर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं बच्चों, दो, और एंटी बॉन्डिंग में कितने, दो, डिवाइडेड बाय 2। तो ये आंसर क्या है, जीरो। इसका मतलब हीलियम और हीलियम के दरमियान तो कोई बॉन्ड होता ही नहीं है, इसका मतलब HE2 मॉलिक्यूल है ही नहीं, आपने सिर्फ इसको फर्ज किए, इसलिए हमें लिखना पड़ा कि HE2 हाइपोथेटिकल। अब अगर इसकी रिलेटिव एनर्जी लिखना चाहो तो इसकी एनर्जी कम और इसकी एनर्जी ज्यादा, सिग्मा 1s इज लेस देन सिग्मा स्टार 1s। और अगर इस मॉलिक्यूल का आप पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देखना चाहो, डायमैग्नेटिक बिहेवियर देखना चाहो, इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लिहाजा HE2 क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। और आप MOT को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलते हो।